फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। प्रीत विहार थाना क्षेत्र के चित्रा बिहार के झुग्गी बस्ती से एक पड़ोसी 3 साल के बच्चे को लेकर हुआ था फरार। मेरठ से मिली बच्चे की टुकड़ों में डेड बॉडी, परिवार वालों ने हंगामा किया प्रीत विहार की रेड लाइट पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंगलवार की शाम 6:30 बजे मृतक बच्चे के परिवार वाले और झुग्गी बस्ती वाले पहुंचे, जहां पर रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया और पत्थर सड़कों पर रख दिए, जिसमें कुछ गाड़ियों पर भी पथराव किए और इसके अलावा पुलिस पर भी पथराव किए। इसमें पूर्वी दिल्ली जिला की DCP अमृता गुगलोत और प्रीत विहार थाने के SHO हीरा लाल के ऊपर भी पथराव किया था। गनीमत रही के सभी ने हेलमेट और जैकेट पहनी हुई थी बुलेट प्रूफ वाली, जिसके कारण उनके चोट नहीं आई। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी मशक्कत के बाद रोड को खुलवाया था, जो कि मंगलवार की शाम 6:30 बजे रोड को ब्लॉक कर दिया था और रात 9 बजे रोड को खुलवाया, जब पूर्वी दिल्ली जिला की DCP अमृता गुगलोत ने सभी को समझाया। इसके अलावा लक्ष्मीनगर थाना, सकरपुर थाना, मयूर विहार थाना, मंडावली थाना, मधु विहार थाना और पांडव नगर थाने के SHO भी और पुलिस टीम पहुंची थी और मयूर विहार डिवीजन के ACP कल्याणपुरी डिवीजन के ACP प्रीत विहार डिवीजन के ACP भी यहां पहुंचे थे। इसके अलावा सहादरा जिला के एडिशनल DCP कुशल पाल सिंह भी अपने टीम के साथ पहुंचे, जिसमें जगतपुरी थाना और गीता कॉलोनी थाने के SHO भी शामिल रहे। इसके अलावा उत्तर पूर्वी जिला के एडिशनल DCP अंकित सिंह भी पहुंचे अपनी टीम के साथ। तीनों जिला की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर जो भीड़ थी उनको समझाया और उनको प्रीत विहार की रेड लाइट से हटाया। वही हम आपको बता दें कि मंगलवार की देर रात 12:30 बजे तक पुलिस टीम रही चित्रा विहार की झुग्गी बस्ती में, ताकि दोबारा से कोई हंगामा ना हो जाए। वहीं इस मामले पर पूर्वी दिल्ली जिला की DCP अमृता गुगलोत ने मंगलवार की रात 11:33 पर मीडिया को प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि प्रीत विहार थाने को 30/11/2022 को दो बच्चों की लापता होने की कंप्लेन दर्ज हुई थी, जो DCP ने बताया कि 3 साल का बच्चा, जिसका नाम मानव पुत्र हीरालाल निवासी राम सिंह का मकान चित्रा विहार झुग्गी का है, जिसकी उम्र 3 साल है। साथ में एक लड़का जो सबसे पहले उसकी 16 साल की उम्र बताई थी, जो बाद में दस्तावेज से पता चला कि उसकी उम्र 18 वर्ष है, जिसका नाम मेरठ के गन्ने के खेत में 3 साल के बच्चे को वह छोड़कर आ गया था। इसके बाद आरोपी लड़के की निशानदेही पर एक टीम मेरठ भेजी गई, जहां पता चला कि थाना इचोली की स्थानीय पुलिस ने पहले ही बिना सिर और अंग का एक डेड बॉडी बरामद कर ली थी, सिर भी पास में मिला था। स्थानीय पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी कि लाश को स्थानीय शव गृह में रखवा दिया है। ये भी पता चला कि शव का सामान भी स्थानीय पुलिस ने जब्त कर लिया था और सामान कपड़ों के आधार पर रंजित है, जो निवासी है A46/48 चित्रा बिहार का। पुलिस ने मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 404/22 धारा 363 IPC के तहत मामला दर्ज किया था और जांच शुरू की गई थी। छानबीन के दौरान दोनों बच्चों को आसपास के इलाकों में और कथित लड़के के ठहरने की जगहों पर तलाशने की काफी प्रयास किया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जिसके बाद 6/12/2022 यानी मंगलवार की सुबह लड़के के चाचा से सूचना मिली थी कि वह दिल्ली आ गया है और वर्तमान में वह कथित लड़का उसके साथ जगतपुरी स्थित आवास पर है। इसके बाद कथित लड़के के चाचा के घर एक टीम भेजी गई और उससे मानव के बारे में पूछताछ की गई, जिसका कोई ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। पुलिस ने लगातार पूछताछ की तो आरोपी ने खुलासा किया कि उसने बच्चे की शिनाख्त मानव के रूप में हुई, जो प्रीत विहार थाना क्षेत्र के चित्रा बिहार की झुग्गी बस्ती से 30/11/2022 को लापता हुआ था। बहरहाल आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है।